नमस्कार, बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब चलते हैं खबरों की दुनिया में। ये रिपोर्ट है शिव तिवारी जी की और घटना है सुगौली प्रखंड पूर्वी चंपारण की। आखिर कितनों का लेंगे जानिए फर्जी अस्पताल वाले। फर्जी नर्सिंग होम संचालक सत्ताधारी पार्टी के नेता कहकर उठाते ही नाजायज फायदा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों एक निजी अस्पताल सुगौली में प्रसूति के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सदर एसडीओ के आदेश के बाद नर्सिंग होम की जांच स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और पीएससी प्रभारी के द्वारा किया गया, जिसमें घटना सत्य पाया गया और अस्पताल ही फर्जी पाया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर अवैध अल्ट्रासाउंड और फर्जी डॉक्टर भी थे। फर्जी डॉक्टर भागने में सफल रहे। वहीं पीएससी प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट तो सदर एसडीओ को सौंप दिया गया, लेकिन अभी तक नर्सिंग होम के संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही नर्सिंग होम को सील किया गया। इतना ही नहीं, सुगौली प्रखंड अंतर्गत करीब सैकड़ों की संख्या में अवैध तरीकों से, यू कहे तो धड़ल्ले से, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड लैब, दवा खाना का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इन आला अधिकारियों की नींद तब खुलती है जब कोई निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुगौली सरकारी अस्पताल के पीछे हर्षित सेवा सदन अवैध नर्सिंग होम है, उसका रास्ता भी सरकारी अस्पताल के कंपाउंड से ही जाता है। सवाल यह है कि आखिर यह रास्ता किसके कहने पर दिया गया? क्या अस्पताल प्रभारी ने यह रास्ता मुहैया कराई है? अगर नहीं तो रास्ता बंद क्यों नहीं हुआ? हर्षित सेवा सदन के संचालक का कहना है कि हम तो सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारा पहुंच बड़े बड़े नेताओं से है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक कार्रवाई हो रही है। यह सिर्फ निर्दोष लोगों की जाने इसी प्रकार से जाती रहेगी? पदाधिकारी सिर्फ फाइलों में ही रिपोर्ट दर्ज करते रहेंगे? यह आपका बिल्डिंग है? हाँ, मेरा बिल्डिंग है। बिल्डिंग में कुछ अवैध चीज चलवाते हैं, लोग मर जाता है, आप इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? बिना रजिस्ट्रेशन में कहा दे दी? बिना रजिस्ट्रेशन में क्या बिल्डिंग दी? नर्सिंग होम का बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है ना कुछ अभी ना कोई। आज हमारे और वीडियो साहब के द्वारा अवैध नर्सिंग होम की जांच की गई। जैसे कि पता चला था कि 16 तारीख को एक महिला मरीज की मौत हो गई, यहाँ वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है, रजिस्ट्रेशन तो है अल्ट्रासाउंड का। कहाँ पे जांच किया गया है सर? ये अजीत सिंह जी के मकान में है। कहाँ पर है ये? सीएससी के जस्ट पीछे जी, जो बेसिकली उसका रास्ता हमारे ही कैंपस से होके जाता है। क्या वो रास्ता है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। रास्ता नहीं होना चाहिए, ये कैंपस जब हमारा है तो कैंपस सीएससी का ही होना चाहिए जी। जांच में क्या देखा गया है? जांच में वहाँ पे कुछ मरीज पाए गए, भाग गए, और अल्ट्रासाउंड चल रहा था, अल्ट्रासाउंड का निबंधन था, लेकिन वहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे थे। एक फेक टेक्नीशियन के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जो मौके से फरार हो गया। नर्सिंग होम का कोई रजिस्ट्रेशन आपने देखा? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है नर्सिंग होम का। इसका मतलब वो नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा था? हाँ, अवैध रूप से ही चल रहा है जी। जी, इसके संबंध में आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हम लोग जांच रिपोर्ट आज भेज रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी साहब को, और उस पर जो भी आदेश आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपके प्रखंड क्षेत्र में भी बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम, एक्सरे, पैथोलॉजी और मेडिकल की बात है, सब किसी को हमारे द्वारा नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ सबमिट करें, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। एक आम और लास्ट क्वेश्चन सर, कि जो सीएससी से जो होकर बीच बीच जो जाती है जो नर्सिंग होम में, सर वो रास्ते के बारे में सर क्या कहिएगा? देखिए, मैंने कहीं नहीं देखा है कि सरकारी अस्पताल के बीच से रास्ता निकाल के किसी को प्राइवेट को दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा, ना होना चाहिए। इसकी भी इसका भी हम लोगों ने उल्लेख किया है अनुमंडल पदाधिकारी साहब को। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।